अजब गजब खबरों के इस वायरल वीडियो में हम दिखाएंगे कि कहां योगी के लुक में वायरल हुआ शख्स। एक मिस्त्री ने कर दिया कई इंजीनियर्स को फेल, और कहां 400 लड़कों ने 46 साल की लड़की को भेजे गिफ्ट। शुरुआत करते हैं दिल्ली से सटे नोएडा से आई एक खबर के साथ। ये तो आपको पता ही होगा कि देश के कई राज्यों में मतदान शुरू हो गए हैं। ऐसे में जब नोएडा में मतदान देने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। लेकिन जरा ठहरिए, ये योगी नहीं बल्कि उनके जैसे वेशभूषा में कोई और है जिन्हें देखने के लिए पोलिंग बूथ पर भीड़ लग गई और लोगों ने उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। ये मामला नोएडा के सेक्टर 11 स्थित ITI भवन का है, जहां राजू कोहली नाम का व्यक्ति वोट देने के लिए पहुंचा। इस शख्स की वेशभूषा बिल्कुल योगी जैसी ही थी, जिसे देखकर एक समय के लिए लोग भी धोखा खा गए। सड़क से पोलिंग बूथ तक आने के दौरान लोग भी राजू के साथ साथ चलते दिख रहे हैं। जब ये युवक सड़क पर पैदल बिना मास्क के आ रहा था तो हर कोई चेहरा देख पहचान रहा था कि भेष योगी का है, लेकिन शक्ल योगी की नहीं है। और जब राजू ने बूथ के पास आकर जैसे ही मास्क लगाया और अंदर घुसा तो लोग आंखें मलते रह गए। लोगों का CM योगी और राजू कोहली में पहचान कर पाना मुश्किल हो गया, और फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां एक छोटे से आइडिया ने बड़ा कमाल कर दिया। दरअसल यहां पर विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है, जहां सहस्त्रेश्वर महादेव की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस शिवलिंग की गोलाई और लंबाई 6.50 फीट बताई जा रही है। शिव के इस नए स्वरूप को जलाधारी यानी की चिलहरी में क्रेन की मदद से स्थापित किया जाना था। प्रशासन ने PWD, PHE, जिला पंचायत सहित सभी विभागों के इंजीनियर्स को बुलाया। जब जलाधारी में शिवलिंग को स्थापित करने में बड़े बड़े अनुभवी इंजीनियरों के पसीने छूट गए तो ये काम एक मुस्लिम मिस्त्री मकबूल हुसैन अंसारी ने लिया, जिसके बाद मकबूल ने इंजीनियरों को एक आइडिया दिया कि यदि बर्फ के ऊपर शिवलिंग को रखा जाए तो बर्फ पिघलने के साथ साथ ही धीरे धीरे शिवलिंग जलाधारी के अंदर चला जाएगा। मकबूल हुसैन का यह आइडिया हर किसी को पसंद आया और बर्फ मंगवा कर उसे गोलाकार में काटते हुए बर्फ के टुकड़ों पर शिवलिंग रख दिया गया। फिर देखते ही देखते जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई, वैसे वैसे ही शिवलिंग अपनी जगह लेता गया। अब हर कोई मिस्त्री मकबूल हुसैन की तारीफ कर रहा है। बता दें, मकबूल गरीबी के कारण कभी स्कूल नहीं गए। वो सऊदी अरब में 8 साल मिस्त्री का काम कर चुके हैं, साथ ही उन्हें कई मंदिर बनाने का खासा अनुभव है। गजब में अगली खबर विदेश से है। अमेरिका के कोलोराडो में रहने वाली नीता मैरी जहां चर्चा का विषय बनी हुई है, और उन्हें अपनों से आधी उम्र के लोगों से बेशकीमती तोहफे मिल रहे हैं, और वो भी वैलेंटाइन डे के मौके पर। उन्हें 400 से ज्यादा लड़कों ने गिफ्ट भेजे हैं। नीता एक वेबसाइट पर अपना कंटेंट शेयर करती है जिससे उनकी आमदनी करोड़ों में है। डेली स्टार वेबसाइट के मुताबिक उनके ज्यादातर फैंस 20 साल या फिर इसके आसपास के हैं। वैसे उन्हें वैलेंटाइन गिफ्ट मिलने का सिलसिला कई सालों से जारी है। वो खुद 46 साल की है, लेकिन इस पर कोई यकीन नहीं करता है। वैसे नीता ने जिस शख्स से शादी की है उनकी उम्र भी 13 साल नीता से कम है। डेली स्टार वेबसाइट के मुताबिक नीता कहती है कि मुझे भी कम उम्र के लड़कों के साथ डेट पर जाना पसंद है। न्यूज़ तक ब्यूरो।